जितना ये देखो ऐसे ऐसे इस पे भी चढ़ रहे हैं, चढ़ आए हैं। और मनी पे इस पे क्रिसमस ट्री में देखो पूरे लिपटे हैं। आजकल पौधों को बहुत पानी चाहिए, ये हमने लिया था और इसके साथ एक हमने वो भी लिया था, क्या बोलते हैं उसको आज का बेला, वो भी है। नमक डाल लेते हैं इसमें, जब नमक डाल देते हैं और थोड़ी देर आधा घंटा के लिए छोड़ दें तो उसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। लगभग एक डेढ़ चम्मच नमक डाल के आधा किलो करेले तुमने रख दिया है। मसाला लेना लिया है, सौंफ, कलौंजी, जीरा, मेथी, सब ये सब इसमें रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। हमारे पास धनिया खड़ी है नहीं तो हम इस समय धनिया इसमें नहीं डाल पा रहे हैं। धनिया डालेंगे हमने पीस के जो रखा है वही, तो बस इसको ही चला लेते हैं थोड़ा सा और बस ये भुन जाती है, इसको कूट लेते हैं। फिर गर्म हो चुकी है कढ़ाई, गर्म हो चुकी, तेल हमने रख दिया है इसमें। थोड़ा एक हाथ से हम मोबाइल अपना पकड़े हुए हैं ना, तो फिर हम थोड़ा सा सही से बना नहीं पा रहे हैं, बट चलिए फिर अभी हम इसमें राई डाल देते हैं। राई हमने ये आली लिया है, महीन आली जिसे राई बोलते हैं, इस टाइप की ते डाल दिया है और हमने डाल दिए, आपको दिखाया फिर उसके बाद में। फिर इसमें क्या करेंगे ना, हम लहसुन डाल देंगे और जो हमने प्याज काटे थे आधा किलो करेले थे, तो हमारे आधा किलो करेले थे तो 250 ग्राम इसमें प्याज पड़ी, लगभग 4 आनी पड़ी। तो और उसमें हमने मिक्स करके ही काटे, लेकिन कटे हुए आपको टुकड़े नज़र आ रहे होंगे, तो ये सब भुजिया में ऐसे ही होता है। और इधर ना हमने वो मसाला भी कूट लिया जो भी आपको दिखाया था भून के। और इधर एक सीक्रेट है, ये है मसाला हमारे अचार का, तो अचार का मसाला डालेंगे तो इसमें जो थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है वो बहुत अच्छा होता है, टेस्ट और आ जाता है करेले की सब्ज़ी में। बस यही है इसका मतलब डालने का। ये करेले हमने तेल में ऐड कर दिए हैं और अब इसी जगह पर ना हम सारा कुछ साथ में मिक्स करेंगे, फिर भूनते रहेंगे इसे करेले को तेल में। और ये जो हमारा ये मसाला है इसको भी चम्मच से डाल देंगे। और अब सारी चीज़ों को नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और मैं करेले में कभी भी भुजिया हो या भरवा करेला हो मैं मिर्चा नहीं डालती हूँ, तो देखिए मैंने नमक ऐड कर दिया है। और हल्दी भी बहुत कम ही मैं डालती हूँ इसमें, और आधा चम्मच हल्दी लगभग मैंने डाल दी है। और धनिया पाउडर जो है हमने एक तो भुना भी था और धनिया पाउडर हमने इसमें डाल दिया है, और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। बस अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और तेल में अच्छे से चलाएंगे। और अभी इसमें पानी नहीं डालना है, लगभग 10 मिनट तक आपको करेले को यूं ही तेल में भूनते रहना है, पानी नहीं डालना है। उसके बाद में हम आपको फिर से दिखाएँगे कि इसमें कितना पानी डालना है और कैसे डालना है, तभी करेले बन जाए। तो ये देखिए करेले की भुजिया तैयार हो रही है, लगभग 10 मिनट हो गए हैं, अभी 10-12 मिनट और ही पकेगी। और देखिए हमने गैस को एकदम स्लो कर रखा है, तो अब इसको ढक देते हैं ऐसे। और इसमें मैंने पानी देखिए नहीं डाला है, ये इसी ढकने से थोड़ा मैं पक जाएगी, क्योंकि प्याज और लहसुन इसमें मिक्स होके पड़ा है, तो प्याज और नमक और ये सारी चीज़ें पानी छोड़ता ही छोड़ता है, क्योंकि हम करेले भरवा बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ इस सब्ज़ी को कटे करेला की सब्ज़ी कहते हैं, करू करेला की सब्ज़ी कहते हैं, बट ये कट करके बनाए जाते हैं, तो फिर इसे कटे वाले सब्ज़ी कहते हैं, जो भरवा बनते हैं तो उसे भरवा कहते हैं। भरवा की रेसिपी मैंने एक बार शेयर करी हुई है शायद अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं, और इसकी भी रेसिपी तो शेयर ही कर रही हूँ मैं। सो जा रहा है ये देखिए एकदम, तो बस यही अंतर है भुजिया बनाने में, पानी नहीं पड़ता है और बहुत अच्छे से सब्ज़ी पक गई है और करेले की भुजिया रेडी हो गई और अच्छे से खुशबू आ रही है। बस रोटी बनाने की देर है, बस रोटी बना लेते हैं और फिर आइए फ्रेंड्स आप लोग खाइए। अगर आपको ये करेले की सब्ज़ी अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरह करेले बनाते हैं।
तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो ये देखिए हमारी ये बढ़िया अच्छे से करेले की भुजिया हो गई रेडी। तो देखिए ग्रीन की ग्रीन, तो कितनी अच्छी सब्ज़ी दिख रही है, और जितनी ये दिख रही है अच्छे उतनी खाने में भी टेस्टी है। तो ज़रूर एक बार ट्राई करिए, फिर बताइए कमेंट करके कि आप कैसे बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं, कैसे बनाए हैं और कैसी लगी आपको।